Hello everyone, welcome to Free Study. So if you have not subscribed the channel, please subscribe, please press the bell icon. And this is the next video of Insights December 2019 Current Affairs Compilation. So today we will do pages 78 to basically 90, also around 12 pages, and rest videos will come very soon. So till January we will try to complete the whole December 2019 current affairs, and then we will move on November, and as well as jitna jaldi means February ke bhi current affairs website pe upload ho jayenge usi din se hum February ke andar January ke bhi current affairs start kar denge. So bane rahiye channel ke saath, and don't forget to subscribe and please share the videos, I request you. So GS3 ke topic start karenge, Indian economy dekhenge, kuch issues dekhenge related to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. So GS3 ke andar Indian economy aata hai, and ab hum padhenge Bharat Bond ETF. Bharat Bond ETF kya hai, iske features, iske significance kya hai. To government ne Bharat Bond ETF launch kar diye hain. Ye India ke first corporate bond exchange trans traded funds honge, comprising debt of state run companies. To ye jo move hai, isse jo retail investors hain wo government ka debt ko bhi buy kar sakte hain. Isse retail investors ko easy and low cost access milega bond market के लिए with smaller amount as low as ₹1000. tax efficiency आएगी as compared to bonds, क्योंकि जो coupons होते हैं bonds के उन पर tax लगाया जाता है depending on the investor's tax lab. Now what are the key features of Bharat Bond ETF? सो ये एक बास्केट होता है बॉन्ड्स का, जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या अंडरटेकिंग्स इशू करते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड्स भी इसे इशू कर सकती है. फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है 3 से 10 साल की. स्टॉक एक्सचेंजेस पे इनको ट्रेड किया जाता है, एंड ये एक पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कि स्टेट रन कंपनीज या किसी गवर्नमेंट एंटिटीज़ के हों. एंड इट विल ट्रैक एन अंडरलाइंग इंडेक्स ऑन रिस्क रेप्लिकेशन बेसिस मैचिंग क्रेडिट क्वालिटी एंड एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द इंडेक्स. एंड ये जो इंडेक्स है इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट इंडेक्स प्रोवाइडर, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट करंट अफेयर इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. इसके पर्टिकुलर्स देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, नीड देखेंगे. तो ये कनाडा की सबसे बड़ी पेंशन फंड है, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड. उन्होंने बोला है कि वो $600 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के अंदर थ्रू NIIF मास्टर फंड. एंड ये जो CPPIB मीन्स जो कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उसके इन्वेस्टमेंट के साथ NIIF का जो मास्टर फंड है वो $2.1 बिलियन की कमिटमेंट हो जाएगी, एंड इनिशियली जो टारगेटेड फंड साइज है वो भी अचीव हो जाएगा. तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं. गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का NIIF सेटअप किया था 2015 में एज एन इन्वेस्टमेंट वेहिकल फॉर फंडिंग कॉमर्शियली वाइबल ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड एंड इंस्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 49% इन्वेस्ट करने जा रही है, एंड द रेस्ट ऑफ द कॉर्पस जो कि रेस किया जाएगा थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स के से, जैसे कि सॉवरन वेल्थ फंड्स हो गए, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स हो गई, एंडोमेंट्स हो गई. NIIF का मैंडेट ये भी है कि उन्हें उन एरियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स. NIIF ने करंटली ये मैनेज कर रहे हैं 3 फंड्स ईच विद डिस्टिंक्टिव इन्वेस्टमेंट अपडेट, एंड ये जो फंड्स हैं इन्हें रजिस्टर किया जाता है एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद द सैबी, दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अब ये 3 फंड्स हैं क्या, एक तो है मास्टर फंड, दूसरा है फंड ऑफ फंड्स, एंड थर्ड है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड. तो सबसे पहले है मास्टर फंड. मास्टर फंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है ऑपरेटिंग एसेट्स इन द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड पावर. फंड ऑफ फंड्स को मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स जिनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स हो इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी एसोसिएटेड सेक्टर में, जैसे कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज या फिर एलाइड सेक्टर. थर्ड होता है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड. ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है अंडर सैबी इन इंडिया, एंड इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्ट करना है लार्जली इन इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इट विल फोकस ऑन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स.
नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज व्हाट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है एंड क्या रिफॉर्म्स नीडेड हैं. तो फिन मिन IRDA ने इट सीक इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट्स अबव ₹1 लाख एंड जो ये रिक्वेस्ट है ये जब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम सामने आया तो उसके बाद ये मीन्स बात सामने आई डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होते हैं एंड इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है इंडिया में. तो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो हैं वो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देते हैं डिपॉजिटर के मनी को बाय रिसीविंग अ प्रीमियम. तो गवर्नमेंट डिपॉजिट इंश्योरेंस सेटअप करता है, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन सेटअप करता है अंडर RBI टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स इफ बैंक फेल्स. हर इंश्योर्ड बैंक को प्रीमियम पे करना पड़ता है अमाउंटिंग टू टू 0.001% ऑफ इट्स डिपॉजिट टू DICGC एवरी ईयर. सो DICGC मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. नाउ अगर डिपॉजिटर का मनी क्या होगा उसके साथ अगर बैंक फेल हो जाए, तो अगर बैंक लिक्विडेट हो जाता है तो डिपॉजिटर्स जो हैं उन्हें इंश्योरेंस अमाउंट मिल सकता है ऑफ अराउंड ₹1 लाख पर इंडिविजुअल फ्रॉम द DICGC एंड ये जो 1 लाख का इंश्योरेंस है इसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आते हैं. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द डिपॉजिटर्स टू क्लेम द मनी फ्रॉम अ फेल्ड बैंक. तो प्रोसीजर क्या है, तो DICGC जो है वो डायरेक्टली डील नहीं करता डिपॉजिटर्स के साथ. जो RBI होता है या जो रजिस्ट्रार होता है ऑन डायरेक्टिंग दैट द बैंक बी लिक्विडेटेड वो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं ताकि वो सारी वाइंडिंग अप प्रोसेस देख सकें. एंड DICGC एक्ट के अंदर जो लिक्विडेटर होता है उसे लिस्ट देनी होती है सभी इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स को DICGC को विद इन 3 मंथ्स ऑफ टेकिंग चार्ज. एंड जो DICGC है उसे फिर ये जो ड्यूज हैं वो विद इन 2 मंथ्स पे करने होते हैं जैसी लिस्ट मिल जाती है. नाउ हु आर इंश्योर्ड बाय द DICGC. तो DICGC जो कॉरपोरेशन है ये सभी कॉमर्शियल एंड कॉपरेटिव बैंक्स को कवर करती है एक्सेप्ट इन मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली. एंड इसके अलावा ओनली प्राइमरी कॉपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट इंश्योर्ड बाय DICGC. DICGC जो है वो कौन कौन से डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, अगर कोई स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है उसके डिपॉजिट्स, कोई भी अमाउंट जो कि रिसीव्ड हुई हो आउटसाइड इंडिया, कोई भी अमाउंट जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड हो बाय द DICGC विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ RBI. नाउ रिफॉर्म्स नेसेसरी क्या हैं, इन्हांस द इंश्योरेंस कवर को बढ़ाएं, इंश्योर्ड अमाउंट को बढ़ाया जाए, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया जाए कि वो इंश्योरेंस कवर दे सकें एंड रिड्यूस द टाइम डिले इन सेटिंग क्लेम्स. नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर इज तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक. तो तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि ये तेलंगाना के बाहर भी सर्विसेज देने के लिए रेडी है. एंड 1.5 साल पहले ये एक फिनटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह जो TIHCL है वो मैनेज कर रहा था सिर्फ 1/10 ऑफ द ओरिजिनली इन्वेस्ट ₹100 करोड़ कॉर्पस फंड. एंड इस डिसीजन ने इसको एलिजिबल बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग के लिए. जो प्रपोज्ड फॉरे है मींस वुड बी सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट गिविंग एन एश्योरेंस ऑफ नो इंट्रूजन आइदर इन द मॉडल ऑफ फंडिंग ऑफर टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज आर गवर्नेंस. तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट है जो भी कंसर्न्ड है दे ऑट टू टेक केयर ऑफ द उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड कंसल्टिंग एक्सपेंसेस भी देखने होंगे. तो तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक लिमिटेड एक को फाइनेंसिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है. इसका मेन एम होगा माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना. इसे प्रमोट करता है तेलंगाना गवर्नमेंट विद 10% ऑफ द कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ एंड 5% जो कैपिटल है वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से आता है. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो भी रेस्ट ऑफ द कैपिटल के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें. अब कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड व्हाट आर द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट. तो RBI की क्या गाइडलाइंस हैं पेमेंट्स बैंक SFB लाइसेंस के लिए. तो क्या पढ़ना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की मैनेजमेंट देखनी है, फंक्शन देखना है, फीचर्स देखने हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखना है. तो RBI ने अपनी फाइनल गाइडलाइंस जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं फॉर ऑन टॉप लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. इस गाइडलाइंस के अंदर क्या इंक्लूड होगा, जो पेमेंट बैंक्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन.
जो प्रोमोटर होगा पेमेंट बैंक का, वो एलिजिबल होगा कि वो एक SFB को सेटअप कर सकता है, लेकिन ये प्रोवाइडेड होना चाहिए कि दोनों बैंक्स नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर आते हों। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया है। जो SFB हैं उनको लिस्ट किया जाएगा विद इन 3 ईयर्स ऑफ रीचिंग अ नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़, एंड इन्हें एक शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दिया जाएगा जैसे ही वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, एंड उन्हें जनरल परमिशन भी मिलेगी टू ओपन द बैंकिंग आउटलेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। प्रोमोटर का क्या शेयर रहता है, जो प्रोमोटर है उसे 40% मिनिमम होल्ड करनी पड़ती है पेड अप वोटिंग वोटिंग इक्विटी कैपिटल फॉर 5 ईयर्स, एंड अगर इनिशियल प्रोमोटर जो है वो 40% से ज़्यादा है तो उसे इट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 40% विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में 30% एंड 15 ईयर्स में 15%। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं प्राइमरी जो होते हैं वो SFB में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें ऑन टॉप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस देख के। मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ का होता है जिसे 200 करोड़ तक बढ़ाना होता है विद इन 5 ईयर्स, एंड ये जो गाइडलाइंस हैं इनका इम्प्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस ये है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं दे डू नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करते कि पेमेंट बैंक जो है वो लैंड या डिपॉजिट कर सकें, आर कैप्ड एट ₹1 लाख पर कस्टमर। तो अगर इन एंटिटीज़ को लाइसेंस मिल जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का, तो ये ज़्यादा डिपॉजिट्स को एसेस कर पाएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ पाएंगी, जो कि आज के टाइम में काफ़ी प्रेशर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इशूज़ रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, PDS, टेक्नोलॉजी मिशंस एंड ऑल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उड़ीसाज कालिया टू बी मर्ज्ड विद PM किसान। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने उनकी जो फ्लैगशिप स्कीम है कालिया, उसको सेंटर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना से मर्ज करने का फैसला कर लिया है, अपेरेंटली ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। इसके जो फीचर्स रहते हैं कालिया स्कीम के, एंड जो कालिया किस फुल फॉर्म क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, इसके अंदर पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं ताकि कल्टीवेशन को इनकरेज किया जा सके, एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ को इनकरेज किया जा सके। कुछ प्राइमरी टारगेट्स होते हैं जैसे कि छोटे फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर्स, सभी फार्मर्स को ₹10,000 प्रति फैमिली प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर असिस्टेंस फॉर कल्टिवेशन। हर फैमिली को ₹5,000 अलग से मिलते हैं इन खरीफ एंड रबी सीजन, 5 क्रॉपिंग सीजन्स के लिए बिटवीन 2018 टू 19 एंड 2021 टू 2022। जो टारगेट है वो 10 लाख लैंडलेस लेबर्स है, एंड स्पेसिफिकली SC एंड ST फैमिलीज भी, सो दे विल बी सपोर्टेड विद अ यूनिट ऑफ ₹12,500 फॉर एक्टिविटीज़ लाइक गोट रियरिंग, मशरूम कल्टिवेशन, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरी। एक्सेप्शन क्या होगा, कोई भी क्रिटिकल ट्रेड डेयरी प्रोडक्शन जो कि डेलिब्रेटली उसको आउट रखा जाएगा, क्योंकि काउ अभी अपने पास रखना बहुत एक्सपेंसिव है, जबकि जो मिल्क प्रोडक्शन है नीड्स टू हैव अ कलेक्टिव रूट और एजेंसीज दैट प्रोसेस एंड रिफाइंस दिस लो शेल्फ लाइक प्रोडक्ट। सो इससे जो एल्डरली, जो सिक और जो डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन है उनको मदद मिलेगी, जो कि कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ₹10,000 मिलेंगे प्रति साल। सो ये जो स्कीम है इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस भी है 2 लाख का, एंड एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट भी है ऑफ 57 लाख हाउस होल्ड्स का। जो क्रॉप लोन्स है वो 50,000 का है इंटरेस्ट फ्री, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन एरिया स्पेसिफिक स्कीम, क्योंकि जो मशरूम कल्टीवेशन है लाइक, तो एरिया स्पेसिफिक रहेगा थोड़ा सा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में भी जान लेते हैं, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस प्रोग्राम के अंदर जो लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज होती हैं जिनका कल्टीवेबल लैंड 2 हेक्टेयर्स तक है, उन्हें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलता है ₹6,000 का प्रति साल, एंड ये जो इनकम सपोर्ट है ये डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ ₹2,000 ईच। नेक्स्ट टॉपिक्स हम देखेंगे अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो पंजाब है वो लैंड बैंक्स बनाने जा रही है रूरल एरियाज़ के अंदर। तो रूरल एरियाज़ के अंदर लैंड बैंक बनाने का जो सपना है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बूस्टअप हो सके, तो पंजाब कैबिनेट ने अमेंड करना चाहा है एक लॉ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कॉमन विलेज लैंड इन रूरल एरियाज़ टू द स्टेट्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एंड इसकी इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी। जो अमेंडमेंट है वो फैसिलिटेट करेगा ग्राम पंचायत्स को ताकि डेवलपमेंट हो सके विलेजेस का बाय अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ समलत और विलेज कॉमन लैंड। जो न्यू रूल है उसके थ्रू जो ट्रांसफ़र हो सकेगी ऑफ द समलत लैंड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स टू द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एंड द स्टेट ओन्ड
PSIEC, दैट इज़ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। पंचायत का रोल क्या होगा? पंचायत का रोल ये रहेगा कि जो अमेंडमेंट है वो इंश्योर करेगा कि पंजाब पंचायत गेट देयर ड्यूज विद ऑल डिसीजंस टू बी टेकन ऑन अ केस टू केस बेसिस, कीपिंग देयर इंटरेस्ट इन व्यू। इस अमेंडमेंट के साथ ही जो ग्राम पंचायत है वो स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो समलत लैंड है उसको ट्रांसफ़र कर सकेगी टू द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और PSIEC के लिए, ताकि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिए जा सकें। समलत लैंड जो होता है वो होता है जो किसी हैबिटेशन नहीं हो, वहाँ पे कल्टीवेशन ना हो, एंड इज़ कंसीडर्ड एज अ कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग फॉर कॉमन यूज़। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट एंड रेलवेज। तो सबसे पहले देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है एंड अबाउट NHAI भारतमाला एंड वट इज़ द नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ INVIT, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कैबिनेट ने NHAI को बोला है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेटअप करें एंड मोनिटाइज करें नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को। NHAI जो है वो सेटअप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एज़ पर द INVIT गाइडलाइंस इशूड बाय SEBI। अंडर INVIT हाईवे प्रोजेक्ट्स जो होंगे दे विल बी बंडल टू फॉर्म अ स्पेशल पर्पस व्हीकल टू बी ऑफर्ड टू इन्वेस्टर्स। जो SPV हैं वो ट्रेड होंगे स्टॉक एक्सचेंजेस पे एंड जो रिटर्न्स हैं उन्हें लिंक किया जाएगा INVIT की परफॉर्मेंस से इन द कैपिटल मार्केट। सिग्निफिकेंस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या रहेंगे? इससे जो NHAI है वो इनेबल हो पाएगा कि वो नेशनल हाईवेज को मोनिटाइज कर सके, जैसे टोल कलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड बन पाएगा एक साल का, एंड दे आर मीन्स उनके पास ये राइट भी है कि वो टोल लगा सकते हैं ऑन द आइडेंटिफाइड हाईवे। INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है ट्रस्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन्वेस्टर्स को एंड इट एक्सपेक्टेड टू क्रिएट स्पेशलाइज्ड कंसेशनरीज, अट्रैक्ट पेशेंट कैपिटल फॉर अराउंड 30 ईयर्स टू द हाईवे मार्केट। इसकी नीड देखते हैं तो नीड यही है कि देखिए NHAI जो है उसको 36,691 करोड़ का जो है बजटरी सपोर्ट मिलता है एंड वो अथोराइज्ड भी हैं कि वो 75,000 करोड़ रुपीज़ मार्केट से भी उठा सकते हैं। अगर भारतमाला का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो उसे एडिक्वेट फंड्स चाहिएंगे विद इन द प्रेस्क्राइब टाइमलाइंस। भारतमाला प्रोजेक्ट सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इन इंडिया इन कंट्री सिंस NHDP, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर्स को टारगेट किया गया है एंड इससे कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में, बॉर्डर एरियाज़ में, फार फ्लंग एरियाज़ में, विद एन एम ऑफ क्विकर मूवमेंट ऑफ कार्गो एंड बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। NHAI जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट NHAI एक्ट 1988 एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज इंटरेस्टेड टू इट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड और इंसिडेंटल देयर टू। सो ये जो अथॉरिटी है इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा February 1995 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उसने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है केरला गवर्नमेंट के लिए एंड इसका मेन एम यही है कि हमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स जो हैं वो ले डाउन करनी होगी बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। 532 किलोमीटर ये लॉन्ग होगी एंड इट विल बी बिल्ट अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइन बिटवीन द तिरुवनंतपुरम एंड थ्रिसुर एंड इट एम टू कनेक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन्स विद सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स जो कि अपने खुद के ट्रैक्स पे रन होंगी। केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एंड केरला गवर्नमेंट का, ताकि जो प्रोजेक्ट है उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस एंड इट विल बी अ नोडल एजेंसी। नेक्स्ट देखेंगे त्रिपुरा गेट इट्स फर्स्ट SEZ। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की उसने त्रिपुरा का फर्स्ट एवर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करने की बात कही है एंड इट विल बी सेटअप। इसे डेवलप कौन करेगा? त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि रबर, टेक्सटाइल और अपैरल, बैम्बू एंड एग्री फूड प्रोसेसिंग पे बेस्ड होंगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? वो ज्योग्राफिकली डेलिनेटेड एनक्लेव्स जिसमें कुछ रेगुलेशंस, कुछ प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू बिजनेस एंड ट्रेड वो अलग होती हैं बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से एंड उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस
प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। तो प्रिविलेजेस क्या मिलते हैं, जैसे ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट मिलती है, इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिलती है पहले 5 साल, नेक्स्ट 5 साल सिर्फ 50%, एंड अगर और 5 ईयर्स तो 50% प्लग्ड बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी मिलता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से एग्जम्पशन है, सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है, सॉरी सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल्स। नाउ कंसर्न्स क्या है प्रेजेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के, कि ये इतने सक्सेसफुल नहीं हैं बाकी कंट्रीज़ में, जैसे कि चाइना, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, दे हैव ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम दीज जोन्स, लेकिन इंडिया में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इंडिया की जो न्यू जनरेशन SEZ है वो कम अप कर रहे हैं, बट नॉट फॉर एक्सपोर्टिंग बट फॉर एक्सपोर्टिंग बट फॉर अवॉइडिंग टैक्सेस। काफ़ी जो मैन्युफैक्चरिंग SEZs हैं इन इंडिया में वो बिलो पार परफॉर्म कर रही हैं ड्यू टू देयर पुअर लिंकेजेस, एंड जो स्टेट्स हैं वो मैच भी नहीं कर पा रही हैं सेंट्रल SEZ एक्ट को विद द स्टेट लेवल लेजिस्लेशन। जो रॉबस्ट पॉलिसी डिज़ाइन है उसकी कमी है, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, एफिशिएंट मॉनिटरिंग की भी कमी है। नेक्स्ट देखेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये क्या है। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL ने 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो सेक्शन है वो खोल दिया है बिटवीन रिवाड़ी हरियाणा टू मदर राजस्थान फॉर कॉमर्शियल ट्रायल रन्स, एंड ये फर्स्ट सेक्शन होगा जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड उसको ओपन किया गया है 1500 किलोमीटर वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर से ले। अब प्रिलिम्स में इसका, जस्ट अ मिनट, तो प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन हो सकता है कि एक ब्रॉड गॉज कॉरिडोर है, 1504 किलोमीटर वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है जो कि स्टार्ट होता है दादरी उत्तर प्रदेश से एंड वहाँ तक चलता है जहाँ तक आप बोल सकते हैं नियर मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक। अक्टूबर 2006 में एक डेडिकेटेड बॉडी द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई थी इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए, एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसे एक सॉफ्ट लोन के थ्रू फंडेड किया जा रहा है जो कि 4 बिलियन एक तरीके से डॉलर्स का है बाय जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी अंडर स्पेशल टर्म्स फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट प्लेसेस ये रहेंगी वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा और रेवाड़ी, पास करेगा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम भी है, ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ऐसे 5 स्टेट से पास कर रहा है एंड ये वो जगह है। इसका इम्पॉर्टेंस ये है वेस्टर्न साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया के वेस्ट साइड में है, तो ये सेपरेट फ्राइट होगा एंड पैसेंजर ट्रैफिक टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ फ्राइट मूवमेंट। फ्राइट मूवमेंट की इजीली ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है, फर्टिलाइजर्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एंड बाद में इसको ईस्टर्न DFC के साथ भी लिंक भी किया जाएगा ताकि 4 हब्स बन सकें जो कि आपको पता ही होगा इंडिया गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, दैट इज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता DMCK जिसको बोला जाता है, मैं मतलब बोलती हूँ ऐसा कोई नाम नहीं है। वाई डू वी नीड DFCs, DFCs की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखिए 10,122 किलोमीटर का टोटल एरिया कवर करना, तो इससे हैवीएस्ट ट्रैफिक होता है, हाईली कंजेस्टेड होता है, 52% पैसेंजर ट्रैफिक है, 58% फ्राइट ट्रैफिक है, तो मेक इन इंडिया रिपोर्ट जो 2017 की थी ये उस डाटा के अकॉर्डिंग है, तो ये जो रूट्स हैं हाईली सेचूरेटेड हैं जबकि इनकी जो लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 150% तक भी है, तो डिमांड में डिमांड थी इसकी ज़्यादा, रिवेन्यू भी जनरेट करेगा, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं, ये कॉरपोरेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रन करती है टू अंडरटेक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फॉर मोबिलाइजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। तो ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 ऑन 30 अक्टूबर 2006। अब कुछ साइंस एंड टेक के टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, कैसे ये होता है, तो न्यू स्टडी की है रिसर्चर्स ने एट द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ऑन एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन रेट्स इन इंडिया, इसे पब्लिश किया गया एंड फाइंडिंग्स ये रही कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप यूजर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्राइवेट सेक्टर्स ने दे क्लॉक्ड हाई लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन रेट्स, मीन्स 412 पर 1000
पर 1000 पर्संस पर ईयर, जो हाईएस्ट रेट है वो बच्चों में पाया गया है बिटवीन द एज ऑफ 0 to 4 ईयर्स, मीन्स 636 पर 1000 पर्संस, एंड लोवेस्ट पाया गया है 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप में, दैट इज 280 पर 1000 पर्संस। जो पर कैपिटा एंटीबायोटिक कंजम्पशन है रिटेल सेक्टर के अंदर वो भी 22% से बढ़ी है पिछले 5 सालों में, दैट इज फ्रॉम 2012 to 2016। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, एक एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया वायरस एंड कुछ पैरासाइट्स की, कि वो एंटी माइक्रोबियल को रोक सकें, जैसे एंटीबायोटिक्स को, एंटीवायरल्स को, एंटी मलेरियल्स को, ताकि वो उनके खिलाफ ना काम करें। तो एज अ रिजल्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो होता है वो इनफेक्टिव बन जाता है इन एंड वो दूसरों में भी फैल सकता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस हो इन मोर देन वन ड्रग तो उसे कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी बड़ी डील क्यों है? क्योंकि इसकी डील जो डिस्कवरी हुई है लेस देन अ सेंचुरी अगो, वो एक टर्निंग पॉइंट था इन पब्लिक हेल्थ, जिससे काफ़ी सारे लोगों की जान बची। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो नेचुरली बनाया जाता है विद नॉर्मल बैक्टीरिया म्यूटेशन, ह्यूमंस आर स्पीडिंग इट, लेकिन ह्यूमंस उसको स्पीड कर रहे हैं अच्छे तरीके से एंटीबायोटिक्स को, स्पीडिंग इट बाई यूजिंग एंटीबायोटिक्स इम्प्रॉपरली। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 मिलियन पीपल हर साल US के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस बनाते हैं, जिनमें से 30,000 की डेथ हो जाती है। तो मेडिकल कम्युनिटी क्यों चिंतित है? क्योंकि जो सुपर बग्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं, वाइड स्प्रेड फैलते जा रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स डरे हुए हैं कि अगर स्टेप नहीं उठाया गया फ्रॉम डेडली अनट्रीबल अनट्रीटेबल इन्फेक्शंस, तो ये जो मीन्स प्रॉब्लम होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज पास्ड रिलेटिवली इजीली फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द नेक्स्ट, सिंस इट इज़ ट्रांसमिटेड सॉरी सिंस इट इज ट्रांसमिटेड टू जस्ट अ मिनट हाँ जी, सिंस इट इज ट्रांसमिटेड बाय वे ऑफ लूज जेनेटिक मटेरियल एंड मोस्ट बैक्टीरिया हैव इन कॉमन। देन देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अफ्रेड है पोस्ट एंटीबायोटिक वर्ल्ड को लेके, क्योंकि लोड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो सुपर बग्स हैं ऑलरेडी। इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, गोनोरिया, न्यूमोनिया, दे आर बिकमिंग हार्डर टू ट्रीट विद टिपिकल एंटीबायोटिक्स। तो नीड ऑफ द आर जो है वो यही है कि एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है, जिसके अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाएगा, फिलेंथ्रोपिक ग्रुप्स को एंड सिटीजन एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व किया जाएगा। जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं दे मस्ट टेक इट अपॉन देमसेल्व्स कि वो ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करें इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। फिलेंथ्रोपिक जो चैरिटीज़ हैं दे मस्ट फंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, एंड ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इन्हें अप्रिशिएट करना किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज़ हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो अप्रैल 2018 से नवंबर 2019 436 स्ट्रेन्स को HOG कंप्लाइंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये जो सिस्टम है ये रन करता है होटल्स लोड ट्रेन मीन्स ऑन लोड ऑफ एयर कंडीशनिंग लाइट्स, फैंस एंड पेंट्री बाय ड्रॉइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ओवरहेड इलेक्ट्रिक इंजन्स थ्रू द पेंटोग्राफ। जो पावर सप्लाई होती है वो 750 वोल्ट्स की होती है इन अ सिंगल फेज, एंड जो ट्रांसफार्मर होता है विद अ वाइंडिंग ऑफ 945 KVA कन्वर्ट्स करता है उसको 750 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज आउटपुट एट थर्ड फेज। जो एनर्जी है फिर वो कंपार्टमेंट्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब ये अलग क्यों है प्रेजेंट EOG टेक्नोलॉजी से? क्योंकि जो एंड ऑन जनरेशन सिस्टम है उसके अंदर जो होटल लोड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी 2 लार्ज डीजल जनरेटर सेट से मिलती है। नाउ द जनरेटर्स कार्स आर अटैच टू द आइदर एंड ऑफ द ट्रेन गिविंग द सिस्टम इट्स नेम। तो इसके जो फायदे होंगे HOG के ओवर EOG, जो HOG फिटेड ट्रेन्स होंगी उन्हें पावर की ज़रूरत नहीं रहेगी फ्रॉम डीजल जनरेटर्स, उन्हें सिर्फ एक ही इमरजेंसी जनरेटर कार टेस्ट की ज़रूरत होगी, दो की ज़रूरत नहीं होगी। ये फ्री ऑफ एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन होगा, इससे जो CO2 NO2 NOx की एमिशंस हैं वो कम होंगी, एंड जो रिडक्शंस होगा एमिशन में वो भी रेलवे को हेल्प करेगा, एक्रियू कार्बन क्रेडिट्स। एंड जो नॉइस एमिटिंग जनरेटर हैं विद द नॉइस एमिटिंग जनरेटर गेट्स गोन सेट्स गोन, तो नॉइस पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट के बारे में।
तो सेंटर ने रीइटरेट कर दिया है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था पिक्चरस्क्यू थेनी में इन साउथ तमिलनाडु, दो देयर हैज़ बीन अपोजिशन टू द प्रोजेक्ट बाय लोकल्स। तो प्रोजेक्ट है क्या, जो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है, ये एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है जिसके थ्रू बिल्डिंग को एक वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंडिंग लेबोरेटरी की तरह बनाया जाता है, विद अ रॉक कवर ऑफ अप्रोक्स 1200 किलोमीटर फॉर नॉन एक्सेलरेटर बेस्ड हाई एनर्जी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च इन इंडिया। इनिशियल गोल यही रहता है टू स्टडी द न्यूट्रियॉन्स। ये एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ने ज्वाइन किया है। अब इस प्रोजेक्ट में आता क्या है, एक अंडरग्राउंड लैबोरेटरी बनाई जाएगी, एसोसिएटेड सरफेस बनाया जाएगा एट पोटीपुरम इन बोडी वेस्ट हिल्स ऑफ थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। एक आयरन कोलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन की जाएगी फॉर स्टडिंग न्यूट्रियोनोस। एक नेशनल सेंटर बनाया जाएगा फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स एट मदुराई फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिटेक्टर R&D अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशंस। नाउ न्यूट्रिनोज हैं क्या, न्यूट्रिनोज जो हैं उन्हें सबसे पहले प्रपोज किया था स्विस साइंटिस्ट गोल्फ गैंग पॉली ने 1930 में। ये सेकेंड मोस्ट वाइडली एक्यूरिंग पार्टिकल होता है यूनिवर्स में फोटोन्स के बाद, द पार्टिकल विच मेक्स अप लाइट। इन फैक्ट जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो इतने अबंडेंट हैं दे कि हर सेकेंड में 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो हैं वो हम सबके आसपास पास होते रहते हैं, वी नेवर इवन नोटिस दैम। तो न्यूट्रिनोज जो हैं वो 3 टाइप्स में फ्लेवर्स में अकर होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं फॉर डिफरेंट मासेस, एंड जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो जो न्यूट्रिनोज होते हैं उनका टिनी मास होता है एंड मास स्टेट कभी कभी पता भी नहीं चल पाता। तो वन ऑफ द की क्वेश्चन है कि अभी तक आंसर क्यों नहीं हो पाया है। तो मेजर चैलेंज है कि INO को सेटअप किया जाए इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा वाई डिटेक्ट देम, क्योंकि ये सेवरल इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस इसके थ्रू कुछ मिल सकेंगे। एंड दूसरा जो इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी तो उससे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो पता चलेगा फ्रॉम कोर, एंड दे आर द ओनली पार्टिकल्स विच कैन प्रोब द डीप इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, तो इसलिए ये ज़रूरी है। एंड द बैकग्राउंड, वाई शुड द लैबोरेटरी जो है वो अंडरग्राउंड बनाने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो नोटोरियसली डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना लैबोरेटरी में, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा वीक इंटरेक्शन होती है मैटर के साथ। तो एक बैकग्राउंड फॉर्म कॉस्मिक रेज में जो इंटरेक्ट कर सके मोर देन न्यूट्रिनो के साथ, एक नेचुरल रिएक्टिविटी के साथ, रेडियो एक्टिविटी के साथ, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा उन्हें डिटेक्ट करना। तो इसीलिए इनको डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस बनाना होगा। ओवरबर्डन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ मैटर वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है न्यूट्रिनोज में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड फ्रॉम कॉस्मिक रेज इज सब्सटेंशली रिड्यूस्ड डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ एट विच द डिटेक्टर इज लोकेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाविक के बारे में। US कांग्रेस ने इंडिया को इन नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन को एक एलाइड नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम विद गैलीलियो ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड QZSSS ऑफ जापान से कंसेंट किया है। नाविक दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट है, जो कि इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि पोजिशन इंफॉर्मेशन मिल सके इंडियन रीजन की एंड 1500 किलोमीटर इंडियन मेनलैंड के पास भी। सर्विसेज क्या प्रोवाइड होंगी, 2 टाइप्स की सर्विसेज होंगी, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज टू ऑल यूजर्स एंड रजिस्टर्ड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स। इसके एप्लीकेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, टेरिस्ट्रियल, एरियल एंड मेराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रेनिंग, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन फॉर हाइकर्स एंड ट्रेवलर्स, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स। नाउ कितनी सेटेलाइट्स की ज़रूरत होती है, नाविक में कितनी सेटेलाइट्स होती हैं, तो ये एक रीजनल सिस्टम है एंड इसके जो कॉन्स्टलेशन होता है उसके अंदर 7 सेटेलाइट्स होती हैं। सभी जियो स्टेशनरी होती हैं ओवर द इंडियन ओशियन, दे अपीयर टू बी स्टेशनरी इन द स्काई ओवर द रीजन, एंड जो उनमें से 4 हैं वो जियो सिंक्रेनस होती हैं, मीन्स स्काई में सेम पॉइंट पे अपीयर होती हैं एट द सेम टाइम एवरी डे। नाउ दिस कॉन्फिग्रेशन इंश्योर करता है कि हर सेटेलाइट जो है इज बींग ट्रैक्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 14 ग्राउंड स्टेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, विद अ हाई चांस मोस्ट ऑफ देम बींग विजिबल फ्रॉम एनी पॉइंट इन इंडिया। नाउ वाई इज इट नेसेसरी
नेसेसरी, क्योंकि जब ग्लोबल नेविगेशन जो है वो इतना नेशन की एबिलिटी को बताता है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो स्पेशली मीन्स दिस इज़ नीडेड. सो थैंक यू सो मच. हमने 90 पेज का हाफ पेज कर लिया है एंड कल हम करेंगे 91 से 100 पेजेस तक. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ ऑन वट एवर सोशल प्लेटफॉर्म यू यूज़. सो यू कैन शेयर माई वीडियोज़. आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू. थैंक यू सो मच.